हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शैडो फाइट एरिना। और फाइनली किंग ऑफ द लीजन आ चुका है बोथ ग्लोबल और बेटा वर्जन में। पहले अभी लॉक्ड है। बहुत ही अच्छा इवेंट आया है रॉयल रेजरेक्शन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। किंग ऑफ द लीजन बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर बनाया है नेकी ने। मैराथन आया है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट आया है। देख सकते हो जिन लोगों को सोल ऑफ द टिकट चाहिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। जेजी गेमिंग इफ़ यू आर लिसनिंग, बहुत अच्छा चांस है। और बहुत अच्छा रॉलेट और मैराथन आया है, मोनार्क मैराथन। फाइट इन द नेम ऑफ द किंग, विन द टूर्नामेंट एंड गेट लकी टोकन्स। मैं दिखा रहा हूँ कौन से रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला मैराथन ईजी है, क्योंकि अगर 2 हफ्ते हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली मैं इवेंट टिकट्स कितने दिए हैं। अगर 100 है तो अगर 2 हफ्ते में 200 होता है, तो अगर तुम 20 बार खेलते हो, अगर तुम 12 बार भी जीतते हो ना, फिर भी शायद कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारे रिमेनिंग ट्राइज में अगर तुम हारते भी हो कुछ विक्ट्रीज के साथ, तो मुझे लगता है ये मैराथन कंप्लीट हो सकता है। वैसे मैंने एक बार खेला, 2 लॉसेस और बाकी जीत गया। एक और चीज़ मुझे पता चला, बॉट्स रिमूव्ड हो चुके इवेंट से, और मुझे इवेंट भी मतलब ईजी लगा। कैंपर्स ज़्यादा मैंने फेस नहीं किए लकीली। तो रिवॉर्ड्स क्लेम करते हैं, 400 लक चिप्स और मेन रिवॉर्ड 1100 चैम्पियन कॉइन्स, लक चिप्स और कुछ कॉइन्स, ठीक है। तो अभी रॉलेट भी स्पिन कर गए, मुझे रॉलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब नेकी इस साल जो इवेंट्स ला रही है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बिल्कुल भी पे टू विन रॉलेट नहीं है, तुम्हें फ्री में जेम्स टोकन्स मिलेंगे, जिससे तुम लोग स्किन ले सकते हो, ईजिली स्किन ले सकते हो। एक फ्री टू प्लेयर भी ईजिली स्किन ले सकता है, जैसा मैंने रॉलेट और इवेंट टिकट सिस्टम देखा, विदाउट एनीथिंग। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी मैं 7 स्पिन कर सकता हूँ। पहले ये वाला खोल लूँ, जितना मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ से अगर ले लूँ तो मैं 7 खोल पाऊँगा। हाँ, 710। तो अभी जाके एक बार लक आजमाते, देखते हैं क्या मिलता है। नीलाद्री का तो लक, क्या ही लक, पहले स्पिन में ही किंग ऑफ द लीजन उसने अनलॉक कर दिया। तो नीलाद्री अगर तुम देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जनरल के पास किंग आ चुका है। पहले मैं 1000 चैम्पियन कॉइन्स, जो मैं बोल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त रिवॉर्ड। इमोट्स नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जेम्स है, चैम्पियन कॉइन्स है, किंग ऑफ द लीजन भी ले सकते हो, टिकट्स ले सकते हो, चेस्ट से तुम्हें वेपन्स मिल सकते हैं। और वैसे चेस्ट अभी सेव करके कोई फ़ायदा नहीं है, चेस्ट का कोई मैराथन नहीं आएगा, तो खोल लेना, ठीक है। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन देखते हैं इधर से क्या मिलेगा। देखो 100 जेम्स कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर एक 10 स्पिन में तुम्हें एक्स्ट्रा एडिशनल टोकन्स मिलेंगे, और 100 स्पिन में तुम्हें किंग ऑफ द लीजन गारंटीड मिलेगा। हालांकि 100 स्पिन के पहले ही बहुत लोगों को मिल जाएगा, मुझे पता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ पार्टनर प्रोग्राम में जो थे उन लोगों को रिफ्ट कीस क्यों दिया, अगर वो रॉलेट में ही आना था। वो लोग बोल रहे थे ना रिफ्ट कीस दिया है किंग ऑफ द लीजन के लिए, ये तो रॉलेट में आया। अजीब सिस्टम है, कुछ समझ ही नहीं पाया मैं। जेब्रा को मतलब सारे जो पार्टनर प्रोग्राम में थे उन लोगों को एक दिन पहले एक्सेस मिल गया था किंग ऑफ द लीजन का। उन्हें बस बोला था 8:30 के पहले अपलोड ना करना। तो मुझे लगा था कि 8:30 में ही आएगा कल, सभी को वही लगा था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। और किंग ऑफ द लीजन बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है। मैंने बेटा वर्जन भी इंस्टॉल कर लिया है, बहुत जल्द एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।